वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक कंप्यूटर एजुकेशन। आज की वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि UIDAI ने नया पोर्टल लॉन्च किया है आधार कार्ड की वेबसाइट के लिए, जहां से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता है था, तो उन्होंने एक ट्रैफिक एक कवर अप करने के लिए नई वेबसाइट लॉन्च की है। तो चलिए उसको आज जानते हैं कि वो कैसे यूज़ करना है और उसको क्या वेबसाइट डाला गया है, क्योंकि UIDAI ने एक नया डोमेन परचेज किया है। आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन्होंने जो नई वेबसाइट रखी है वो है myaadhar.uidai.gov.in, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। देख सकते हैं आप लोग, सबसे पहले इंटरफेस वैसा ही है जैसे UIDAI का है, थोड़ा बहुत बाकी का इन्होंने नया पोर्टल तैयार किया जिससे वो ट्रैफिक थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए। यहाँ पे देखिए, इस वेबसाइट के थ्रू आप लोग पहले तो इफ योर मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड विद आधार और यू हैव जस्ट एनरोल योर सेल्फ टू वर्ल्ड लार्ज आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, यू कैन स्टिल यूज द फॉलोइंग सर्विसेज। अगर आपका मोबाइल नंबर से लिंक है आधार और नहीं है लिंक, तो आप ये सर्विसेज कुछ यूज कर सकते हैं, जैसे अपना आधार कार्ड का जेरोक्स यानी कि डिजिटल कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं, PVIC आधार डाउनलोड कर सकते हैं या ऑर्डर कर सकते हैं और उसको ट्रैक कर सकते हैं, एनरोलमेंट का कोई अपडेट आया कि नहीं आया वो भी कर सकते हैं, और एनरोलमेंट सेंटर कहाँ कहाँ पे है वो भी कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेना वो भी यहीं पे दिया हुआ है, अगर पासवर्ड भूल जाएं या आधार कार्ड नंबर भूल जाएं तो कैसे पता करें वो भी पता चल सकता है, आपका ईमेल आईडी वेरीफाई करना हो या मोबाइल नंबर वो भी यहाँ से पता चल रहा है, देन आपका आधार वेरीफाई है कि नहीं है, वैलिड है कि इनवैलिड है वो भी पता कर सकते हैं, अगर कोई VID जिसको वर्चुअल आईडी नंबर बोलते हैं वो भी जनरेट करना चाहता है तो वो भी कर सकते हैं जो 16 डिजिट का होता है, अगर कोई चाहता है कि मेरा आधार कार्ड लॉक हो जाए टेम्परली नॉट अ परमानेंट इट, इसके बाद वो भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आपको अभी फिलहाल में तो आना होगा यहाँ पे दिया हुआ है लॉगिन का पोर्टल, आपको नीचे लॉगिन पे क्लिक करना है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है कि अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, हर वेबसाइट पे दिया जाता है वैसे तो, इंग्लिश पे जाएंगे और जो भी आपकी कंट्री लैंग्वेज है या फिर रिलीजन लैंग्वेज है, आप बोलें कि आपका जो लैंग्वेज आपको प्रेफर करता है समझने के लिए, तो आप वो चेंजेस कर सकते हैं। तो आप फिलहाल में तो हम इंग्लिश को लेके चलते हैं। अब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि एंटर आधार, आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, तो चलिए मैं अपना आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ। अब वो कह रहा है आधार कार्ड नंबर डालने के बाद कि अब आप कैप्चा डालिए, अपना कैप्चा फुलफिल कर देता हूँ और अब कहता है OTP सेंड करिए, यानी कि आपके मोबाइल पे आपके जो रजिस्टर्ड OTP मोबाइल पे भेज दिया जाएगा, आप उसको चेक कीजिए, मेरे पे आ चुका है 190795, मैंने ये सेंड कर दिया और इसको वेरीफाई करने के लिए क्लिक कर दिया। आप लोगों को भी सिमिलर प्रोसेस फॉलो करना है। देखिए, आपको ये पोर्टल बहुत अच्छा दे दिया गया है और ये एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो सर्विसेज मुझे मिली हैं अभी अभी बोलें तो शुरुआत का पोर्टल है, अभी अभी लॉन्च हुआ है नया नया, गवर्नमेंट ने किया है, UIDAI ने, बस इसके अंदर क्या बताना चाहूंगा कि जो ये नीला कलर में दिख रहा है, थोड़ा हाईलाइटेड में नहीं दिख रहा है और दिख रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये दिख रहा है बट ये नहीं दिख रहा, तो ये जो ऑप्शन है मेरे लिए अभी बंद है, ये अभी अवेलेबल नहीं करे हैं इन लोगों ने, डाउनलोड आधार अभी नहीं खोला है, बैंक लिंक स्टेटस जल्दी खुल जाएगा और बहुत अच्छा यूज है, बैंक किस किस खाते से मेरा आधार कार्ड लिंक है मुझे ये भी पता चल सकता है यहाँ से। अभी फिलहाल में कौन कौन से बंद है वो आपको दिख रहा होगा, जो हाईलाइटेड नहीं है, ना मैं डाउनलोड कर सकता आधार को डिजिटली फॉर्मेट में, ना वर्चुअल आईडी जनरेट कर सकता, ना लॉक कर सकता बायोमेट्रिक, ना अपना आधार कार्ड लॉक कर सकता, ना EKYC कर सकते हैं, ना बैंकिंग देख सकते हैं अभी, और फिलहाल में ये तीन सर्विसेज ऑन है मेरे लिए। मैं PVC कार्ड ऑर्डर कर सकता हूँ, अपना आधार कार्ड का एड्रेस वगैरह जो भी चेंज करना चाहे वो कर सकता हूँ यहीं से बैठे बैठे, और जो पेमेंट की हिस्ट्री है वो जान सकता, जैसे एग्जांपल मैं अभी ऑर्डर करना चाहता हूँ PVC कार्ड, तो मैं क्लिक करूंगा आधार PVC कार्ड पे, ये पोर्टल पे लेके जाएगा, मेरी डिटेल शो हो जाएंगी, मैं उसको वेरीफाई कर लूंगा, वेरीफाई करने के बाद सीधे मैं नेक्स्ट कर दूंगा, नेक्स्ट करने के बाद ये मुझे पेमेंट पे ले जाएगा, आप नेक्स्ट कर देंगे और देखिए ये कह रहा है कि ₹50 काटा जाएगा और आपके SP पोस्ट के माध्यम से आपके घर भेज दिया जाएगा,
ये बोल रहा है, बट मैं अभी फिलहाल में पीवीसी कार्ड ऑर्डर नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने डैशबोर्ड पे जाना चाहता हूँ। तो वापस आप जा सकते हैं डैशबोर्ड पे। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन मेरे लिए क्या रखा गया, अपडेट आधार ओनली, अपने आधार कार्ड की जो भी डिटेल्स हैं वो अपडेट करना है। तो आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आप क्या क्या अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर वन आपको अपडेट DOB वगैरह होती है, या फिर नेम होता है, एड्रेस होता है, 50 रुपीज चार्ज किया जाता है उसमें, आप उसको कर सकते हैं। प्रोसीड टू अपडेट आधार पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, मेरे पास जो लिमिट्स हैं, मैं लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकता, नेम 2 बार चेंज कर सकता हूँ, डेट ऑफ बर्थ मैं चेंज नहीं कर सकता, मेरा ट्रायल जो था वो जा चुका है, 0 अपडेट लेफ्ट लिखा हुआ है, और जेंडर 0 अपडेट। एड्रेस मैं कई बार चेंज कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, और आपको क्या वैलिड डॉक्यूमेंट लगाना है वो भी आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल में अगर हम नेम पे टिक करें और प्रोसीड आधार अपडेट पे करें तो ये अपडेट पे पहुंचा देगा मुझे। अब ये मुझसे पूछेगा क्या आपको अपडेट करना है इसमें रौनक गुप्ता के नाम में, तो हम लोग जो भी अपडेट करना चाहते हैं वो डालेंगे, फिर उसके बाद वेरीफाई के लिए डालेगा, फिर पेमेंट काट लेगा आपका, और आपको SRN नंबर एक जनरेट करके दे देगा, जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका वो अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। फिलहाल में हम लोग अपडेट नहीं करने वाले, हम डैशबोर्ड पे चलते हैं। फिर आप लोग जो भी पेमेंट अभी मैंने किए नहीं है वो आपको दिख रहा होगा नीचे, जनरेट ऑलरेडी ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है, मैं पेमेंट देख सकता हूँ कि ड्राफ्ट पड़ा हुआ है, पेमेंट अभी किया नहीं है, वेरिफिकेशन कितनी हुई, करा कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। और अगर आपको पेमेंट करना है जो अटक गया था, वहां से आप यहाँ पे रिज्यूम पे क्लिक करेंगे और वहीं पे पहुंचा देगा ये आपको जहाँ आपका पेमेंट कट रहा आने वाला था। तो आपका पेमेंट कटेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को ये अभी अपडेट नहीं करना, जब तक आप पेमेंट नहीं कर देते तब तक ये नहीं जाएगा, ना आपका SRN नंबर वैलिड होगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे नहीं करना है ये अपडेट, तो आप डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे और ये आप श्योर को रिक्वेस्ट को डिलीट कर देंगे, यानी कि एक रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी जाएगी जो आप डालने वाले थे। ध्यान रखिएगा ये आपका एक इंडिविजुअल पोर्टल दे दिया गया है, आप लोग इससे वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, आपने ऑनलाइन PVC कार्ड ऑर्डर किया कि नहीं किया। उसके बाद एक ऑप्शन और दिया गया है, UIDAI की नई वेबसाइट पे आप अपने लॉगिन पोर्टल पे जब क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ आधार कार्ड की डिटेल दिखती है, दिख रहा होगा आपको मेरा आधार कार्ड आ रहा है, और फ्लिप करने पे मेरा ये बैक साइड आधार कार्ड का दिखाई देता है। कितना अच्छा चीज दिया गया है ना, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। और अगर आपको ये पोर्टल इंडिविजुअली का काम पूरा हो जाए आपका, तो यहाँ लॉगआउट का बटन भी मिलता है नीचे की तरफ, आप क्लिक करके इसको बंद भी कर सकते हो। आई होपली ये वीडियो आपको पसंद आई है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो नीचे लाइक करके बताएं और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है या फिर कोई क्वेरी है जो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया इस वीडियो सेशन के अंदर, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।